अलमेक गाइज़ उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे दी टॉपिक ऑफ़ अवर टूडेज प्रेजेंटेशन इज़ वॉट इज़ कॉन्शियसनेस और वी कॉल इट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स एज वी ऑल नो दैट हु इज़ विलियम जेम्स विलियम जेम्स इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी और इस्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म So, what is consciousness according to William James? So, there are total five points or five streams that was given by William James. The first point or first stream is consciousness is personal, it reflects the experiences of an individual, and therefore it is foolhardy to search for elements common to all minds. Consciousness jo hai, वो आपका पर्सनल होता है कॉन्शियसनेस एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है सो विलियम जेम्स ने स्ट्रक्चरलिस्ट जो सर्च कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि माइंड को हम एलिमेंट्स में ब्रेक करके फिर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन विलियम जेम्स ने कहा कि हर इंडिविजुअल का जो कॉन्शियसनेस है वो पर्सनल होता है हर इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पर्सनल होते हैं उसकी अपनी थिंकिंग होती है अपनी फीलिंग्स होती हैं सो विलियम जेम्स कहते हैं इट इज़ फुल हार्डी टू सर्च ठीक है कि आप एलिमेंट्स को जो जिस पे आप सर्च कर रहे हो कि हम एलिमेंट्स को ब्रेक करके फिर उसको अंडरस्टैंड करें ठीक है इसको विलियम जेम्स ने कहा है फुल हार्डी सर्च फूल हार्ट सर्च मीन्स कि ये बेवकूफ़ी का मुजाहरा है क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है वो पर्सनल होता है आप ऐसे नहीं कह सकते कि सबके जो माइंड के एलिमेंट्स हैं वो सेम है ठीक है हर कोई एक टाइम पे एक तरह का ही सोच रहा है हर हर बंदा जो है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है ठीक है हर किसी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं ठीक है सो इसलिए विलियम जेम्स कहते हैं कॉन्शियसनेस इज़ पर्सनल सेकेंड स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस इज कंटीन्यूस कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है वो कंटीनियस होता है ठीक है मीन्स आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते एनालिसिस के लिए ठीक थर्ड जो पॉइंट है वो है कॉन्शियसनेस इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मीन्स आपका जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्सटेंटली चेंज होता है जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज होते हैं जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस चेंज होंगे आपका कॉन्शियसनेस भी क्या है चेंज होता है सो दैट्स वाई कॉन्शियसनेस इज़ कॉन्सटेंटली चेंजिंग फोर्थ स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस इज़ सिलेक्टिव सम ऑफ द मैनी इवेंट्स एंटरिंग कॉन्शियसनेस आर सेलेक्टेड फॉर फर्दर कंसिडरेशन एंड अधर्स आर इन्हीबिटेड कॉन्शियसनेस जो है वो सिलेक्टिव होता है इसका मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं लेकिन उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अटेंड करते हो जिसको आप फर्दर कंसिडर करते हो और बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको आप कंसीडर नहीं करते जिसको जिस पे आप अटेंशन नहीं देते फोकस नहीं कर रहे होते ठीक है सो कॉन्शियसनेस क्या होता है हमारा सिलेक्टिव होता है फिफ्थ और लास्ट स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस इज फंक्शनल अकॉर्डिंग टू जेम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉन्शियसनेस इज़ दैट इट्स पर्पज इज़ टू एड द इंडिविजुअल इन एडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस क्या है फंक्शनल होता है मीनस जेम्स के अकॉर्डिंग जो एक कॉन्शियसनेस का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ था वो ये था कि एक इंडिविजुअल को एक इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए हमारी वो मैं कौन सी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं ठीक है सो कॉन्शियसनेस so, क्या है फंक्शनल है इसका पर्पज़ होता है कि इंडिविजुअल को इन्वायमेंट में एडेप्ट कराता है उसको इन्वामेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है So that was all about today's lecture. If you guys have any question or any query regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.